हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप पेटीएम क्यू आर पे करके एसएमएम पैनल में फोन पे से भी ऐड कर सकते हो पैसे। तो उसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले हमारे पैनल पे। ये हमारा पैनल, यहाँ पे हम पेटीएम क्यू आर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा क्यू आर कोड, इसको हम ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे फोन पे ऐप में। गाइस ये हमारा फोन पे ऐप, हम फोन पे ऐप में आ चुके हैं और यहाँ से हम अनलॉक कर लेते हैं। और उसके बाद हमें क्यू आर कोड स्कैन करना है, उसके लिए हम यहाँ पे टैप करते हैं। उसके बाद गैलरी पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने जो क्यू आर भी डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, हम 10 रुपये यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अपना अकाउंट चूज़ कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमने अपना UPI पिन डाल दिया, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम यहाँ पे विजिट डिटेल पे कर देते हैं क्लिक और उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको ट्रांजेक्शन आईडी कर लेते हैं कॉपी। और उसके बाद चलते हैं वापस से अपने पैनल पे। पैनल पे आ गए हम लोग यहाँ पे। अब हम आने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी हमने कॉपी की उसको यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर आईडी वाले पे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट में हम डाल देते हैं 10 रुपये। उसके बाद अब हम यहाँ पे चेक पे कर देते हैं क्लिक। वैसे हमने ये इस पर क्लिक कर दिया है और ये फंड जो है 10 से 30 सेकंड में यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको नीचे कि फंड विल बी एडेड ऑटोमेटिकली इन 10 to 30 seconds। तो गाइस यहाँ पे 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमारे पास ये देखिए टाइम और देख लीजिए ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे देख लीजिए आप अमाउंट 10 रुपये ऐड हो चुके हैं पेटीएम क्यू आर से। और गाइस यहाँ पे पेटीएम पे किसी भी क्यू आर को स्कैन करने से पहले देख लीजिए क्या वहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है फोन पे आल्सो वर्क फॉर दिस क्यू आर, तो आप चेक कर लीजिए और आप पेमेंट कर सकते हैं और खुद से फंड भी ऐड कर सकते हैं पेटीएम वाले क्यू आर पे करके। थैंक यू।